यूपी में सरकार है या मजाक है? सही सुना आपने, मैं कह रहा हूँ मजाक है, क्योंकि यूपी टेट का परीक्षा रद्द हो गया। परीक्षार्थी सेंटर में बैठे थे, एग्जाम दे रहे थे, तभी अचानक घोषणा होती है कि आपका परीक्षा रद्द हो गया और एक महीने बाद आपका एग्जाम होगा। ये मजाक चल रहा है यूपी के युवाओं के साथ, और मजाक कर रही है ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दावे करती है कि नकल माफियाओं पे लगाम लग गया है, नकल माफिया बिल में घुस गए हैं, लेकिन उसका परिणाम यह देखने को मिला है कि जब कुछ ही महीने में यूपी का चुनाव होने वाला है, उसके पहले ही सरकार को नकल माफिया तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि हम सक्रिय हैं, आपका पूरा सिस्टम फेल है। ऐसा ही हुआ है पूरे यूपी के युवाओं के साथ, एक भद्दा मजाक हुआ है। तो पेपर रद्द होने के बाद जो छात्र हैं बाहर निकले हैं अभ्यर्थी, उनसे अब जानेंगे कितनी परेशानी हुई, क्या हुई। क्या नाम है आपका? सर शिल्पा यादव। एग्जाम देने आई थी, कितने दूर से? मऊ से आई थी, अल्लपुर रतनपुरा से। एग्जाम रद्द हो गया, क्या कहेंगे? हम लोग पेपर दे रहे थे सर, दरवाज़ा बंद कर दिए, उसके बाद बोले हैं कि पेपर आउट है, गया कोई शोर ना करे, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। उसके बाद सबकी काफ़ी सीरियस ले ली गई है। हाँ, क्या अब क्या लग रहा है, तैयारी किया था सब कुछ सर आपने? तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से किए थे, पेपर भी बहुत ईजी आया था, हम लोग पेपर देख कर बहुत खुश हुए थे, और क्वेश्चन भी लगभग हम लोग किए थे 30-40 तक। पूरा सपना देखा हुआ है, टेट पास जी, करेंगे, सुपर टेट टीचर बन जाएंगे। जी, सपने में पानी फिर गया? सब फिर गया सर। क्या कहें गवर्नमेंट से? क्या कहेंगे, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम लोग कितने टाइम निकाल कर अपने भविष्य को चुन रहे हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन सरकार हम लोग के साथ पीछे वार कर रही है। जल्द चुनाव होने वाला है, अब क्या जी, अब तो आचार संहिता लग जाएगा, अब कहाँ हो पाएगा। अब कैसा सरकार चाहती है? अब यही सरकार चाहते हैं कम से कम युवाओं के प्रति और स्टूडेंटों के प्रति तत्पर रहे। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ऐसी चाहिए जो युवाओं की बात करे। आज युवा, ये पूरा युवाओं का रेला है लगातार जो सेंटर से निकल रहे हैं, और सबके चेहरे पर आप देखेंगे तो एक मायूसी रहेगी, एक उदासी छाई रहेगी, क्योंकि जब ये आए थे एग्जाम देने घर से तो पूरा सोच के आए थे कि अभी एग्जाम देने आए थे। अब तो पेपर हुआ नहीं? हुआ। क्यों? निराश हो गया, पता चला कि आगे से लीक हो गया है। हाँ, तो पूरी आप लोगों ने तैयारी किया था? हाँ, तैयारी तो बहुत अच्छी थी, पेपर भी बहुत अच्छा आया था। हाँ, पेपर बहुत इजी था, अब लग रहा कि हार्ड आएगा। और स्कूलों का तो हो रहा है पेपर? नहीं, कहीं का नहीं हो रहा है, मुद्दे में हो रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कमियां छिपाने के लिए कोई व्यवस्था अव्यवस्था ना फैले उसी को कर रही है। क्या कहेंगी सरकार से? क्या यही तो कहेंगे कि सरकार बहुत ढील है, बहुत लूज है, पीएनपी का सारा ये है। इतने दूर दूर से लोग आए थे, इतनी मुश्किल से कहाँ कहाँ से लोग आए थे, अब इतनी परेशानी होगी, इतनी प्रॉब्लम होगी सबको। अब पेपर की सबको पूरी तैयारी थी, अब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, अब तो ऐसा आएगा नहीं। अब जल्द ही चुनाव होने वाला है, पेपर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अब तो ज़्यादा उम्मीद चुनाव के बाद ही होगा। ये सब का सपना देखा था तो अब सपना पता नहीं पूरा होगा कि अधूरा ही रह जाएगा, तो सरकार का ही बात है। ये सरकार जो है इनके सपनों को अधूरा करने के ऊपर तुली हुई है, और पूरी अपनी सिस्टम इस तरीके से फेल हुआ कि आज परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम रद्द हो गया। आप ही एग्ज़ाम देने आई थी? एग्ज़ाम देने आई थी, तमाम यहाँ पर लड़कियाँ हैं, और क्योंकि ये जो यूपी टीचर की भर्ती होती है तो इसमें अधिक से अधिक लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ दिखती हैं, क्योंकि एक सपना होता है कि वो टीचर बनेंगे, अपना भविष्य सुधारेंगे। लेकिन अब ना जब भविष्य सुधारने आई थी, उसी दौरान जब परीक्षा सेंटर में पूरे तल्लीनता के साथ अपना क्वेश्चन देख रही थी, तभी घोषणा हो गई कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। यहाँ पर तमाम छात्र आए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। हाँ, रद्द हो गया। पूरी तैयारी थी, पानी फिर गया? हाँ, तैयारी थी, पानी फिर गया। क्या कहेंगे सरकार से? बस हम लोग का जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, और क्या, एक महीने का तैयारी जो था हम लोग का बेकार गया, हम लोग डिस्टर्ब हो गए बस। और कितने क्या दिनों बाद एग्जाम हो रहा था ये? ये तो अभी कोविड-19 की वजह से मतलब बंद था, मतलब डिले था पूरा एग्जाम तो। हाँ, तो एक साल बाद ही हुआ है अभी। हम लोग का सीटेट भी है, तो इसके बाद अब इतना पेपर मतलब कि मौका मिलेगा अभी बीटेक के लिए लग रहा है आपको? अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं, अभी हम लोग को कंफर्म नहीं है, अब देखिए कब तक आता है। फिर अब हम लोग कैसे कैसे हम लोग आए हैं बताइए, पेपर देने के लिए टाइमिंग भी बहुत कम मिला है हम लोग को तैयारी करने के लिए। कोविड-19 की वजह से जो है हम लोग को कितना दिक्कत हो रहा था, टाइमिंग से बड़ी एग्जाम रद्द हो गया, पूरा सरकारी सिस्टम। बिल्कुल, सरकारी सिस्टम तो फेल हो ही गया है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या करेंगे? एक पेपर तो रद्द हो गया, आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे सर, हम लोग का बहुत दूर से आए, हम लोग का कितना नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है, पढ़ने वाले बच्चों का बस नुकसान हुआ है, बाकी और जो लोग भाई दादली के नकली के उन लोगों के लिए तो और क्या है।
हम लोग के लिए तो बहुत नुकसान हुआ है कि मतलब हम लोग का पेपर जो रद्द कर दिया गया। क्योंकि पेपर रद्द हो गया, क्या आपको लगता है एग्जाम सरकार करवा पाएगी दोबारा? अब पता नहीं सर, अब इसके बारे में अब हमको क्या पता कि करा पाएंगे क्या, लेकिन हम लोग का तो नुकसान बहुत हुआ है सर। इतना दूर से आए थे हम लोग पेपर देने, सर हम लोग का बहुत नुकसान। सरकार तो दावा कर रही है कि नकल माफिया है नहीं सर, अब हमको क्या पता, जो लोग किए होंगे वो लोग जानते हैं, हम लोग तो सर कुछ पता ही नहीं, तो हम लोग को क्या पता। ये मान रहे सरकारी सिस्टम फेल हो गया पूरा सर? हाँ फेल हो गया। आ जाइए, मान ले पूरा सरकारी सिस्टम फेल हो गया। हाँ, मौका मिलेगा आप, आपको चुनाव होने वाला है जल्द? अब आशा नहीं है कि इतना जल्द पेपर होगा। जो लोगों ने टीचर बनने का सपना देखा था, पूरी तैयारी की थी, तो सरकार तो वही पेपर रद्द हुआ है तो भाई अरे आउट हो गया है। दोषी मतलब पेपर लोग आउट किए हैं तो रद्द होगा ही। देखिए कहीं ना कहीं है ये बोलने में है, लेकिन उदासी है तो क्या बोले, कुछ लोग अभी थे काफ़ी गुस्से में भी थे, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है और सरकारी सिस्टम फेल हो गया है। अब देखते हैं कि इन युवाओं को कब सरकार अवसर देती है या चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर एग्ज़ाम होगा। जाहिर सी बात है कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाला है, तो अब यूपी टेट का एग्ज़ाम जल्द होना एक असंभव सी बात है।